नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोयाबीन पहली बार 6000 रुपए से ऊपर, सभी खाद्य तेल के भाव में उछाल। खाद्य तेलों में उबाल, दालों में नरमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक इन 15 दिनों में 8 दिन त्योहार के कारण नहीं खुलेंगे, जबकि अन्य दिन रविवार और शनिवार की छुट्टियां रहेगी। 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष के कारण बैंक में सामान्य लेन देन नहीं होंगे, जबकि 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। वही 4 अप्रैल को ईस्टर पड़ रहा है और 5 को बाबू जगजीवन राम जयंती है। 10 अप्रैल को सेकेंड सैटरडे है और 11 अप्रैल को रविवार यानी साप्ताहिक अवकाश है। 13 अप्रैल मंगलवार को उगड़ी, तेलुगु न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा, वैसाख, बिजू फेस्टिवल, बुहाग बिहू भी है, इसलिए 13 अप्रैल को भी छुट्टी रहेगी। वहीं 14 अप्रैल बुधवार को डॉक्टर आम्बेडकर जयंती, तमिल न्यू ईयर और अशोक महान की जयंती है। साथ ही 15 अप्रैल गुरुवार को हिमाचल डे, विशु, बंगाली न्यू ईयर और सरुल है। 18 अप्रैल रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। 21 अप्रैल गुरुवार को रामनवमी है और 24 अप्रैल शनिवार को चौथा शनिवार और 25 अप्रैल रविवार को महावीर जयंती है। ऐसे कुल मिलाकर 15 दिन अप्रैल महीने में बैंक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। इसी के साथ नौकरी पेशा, पेंशनर, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। अगले महीने की पहली तारीख से जिन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं उनमें पीएफ में निवेश पर कर और आयकर रिटर्न सहित कई नियम हैं। ऐसे ही 10 नियमों को हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप पहले से ही इन बदलाव को लेकर तैयार रहे। आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से मिलने वाली ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। अब इस वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश कर मुक्त होगा। उससे ज्यादा निवेश करने वाले पर ब्याज से होने वाली कमाई पर कर देना होगा। मतलब अगर आपने 4 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 1.5 लाख रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा। पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म, कर्मचारियों की सहूलत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म प्रीफिल्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने से आजादी। 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर सावधि जमा एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। इसके अलावा आय सूत्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न नहीं भरने पर दोगुना टीडीएस। सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206(ab) में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20% होगी, जो कि आमतौर पर 5-10% होती है। कार में ड्यूल एयरबैग होगा जरूरी। 1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। बेकार हो जाएगी इन बैंकों की चेकबुक। अगर आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो आपकी पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से बेकार हो जाएगी। इन साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण यह बदलाव हो रहे हैं। पेंशन फंड मैनेजर्स लेंगे ज्यादा फीस। अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क देने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। अब अपनी आय को छुपा नहीं पाएंगे। अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रैक नहीं कर पाता है।
लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा। विलंब से रिटर्न भरने का नियम बदलेगा। कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019 और 20 का संशोधित या विलंबित आरटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। सिलेंडर 10 रुपए हुआ सस्ता। आज से रसोई गैस सिलेंडर पर 10 रुपए कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही थी, पर लिंक करने की अंतिम डेट बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। अब आप 30 जून 2021 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आखिरी दिन होने की वजह से बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया कि साइट क्रैश हो गया। विभाग की साइट क्रैश होने से कई लोग पैन आधार को लिंक नहीं कर पाए। बैंकों की तरफ से आ रहे संदेश में साफ कहा गया था कि अगर 31 मार्च 2021 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और इसका असर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। ऐसे में बुधवार को लोग सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि यदि आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, साथ ही ग्राहकों को 1,000 रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। बुधवार को पहले 12:30 बजे के करीब इनकम टैक्स की साइट क्रैश हो गई। उसके बाद बीच में इसे बहाल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी। इसके बाद भारी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स विभाग से 31 मार्च को समाप्त हो रही समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में पहली बार सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने के चलते घरेलू बाजार में सभी खाद्य तेल के भाव में उछाल इसकी सबसे बड़ी वजह रही है। NCDX पर बुधवार को सोयाबीन 6,032 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया है। सोयाबीन की सबसे बड़ी मंडी इंदौर में भी भाव 5,900 रुपए तक के। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के डायरेक्टर बीवी मेहता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन तेल की कीमतें काफी ऊंची है। सोया मिल की डिमांड बढ़ गई है और फसल अनुमान से कम उतरने की आशंका है। जाहिर है सोयाबीन को चौतरफा सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल देश में खाद्य तेल की सालाना खपत करीब 250 लाख टन की है। देश में सिर्फ 90 से 100 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन होता है। ऐसे में कम से कम 150 लाख टन आयात करना पड़ता है। सबसे ज्यादा आयात पाम ऑयल का होता है। इसके सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया और मलेशिया ने निर्यात शुल्क करीब करीब दोगुने कर दिए है। यही वजह है कि देश में खाद्य तेल की दाम लगातार बढ़ रहे, जिसका सीधा असर सोयाबीन पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। वैश्विक बाजारों में खाद्य तेलों में तेजी के साथ ही घरेलू स्तर पर दिल्ली थोक जिस बाजार में आज अधिकतर खाद्य तेलों में उबाल दर्ज किया, जबकि दालों में इस दौरान नरमी देखी गई। तेल तिलहन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अप्रैल वायदा 21 रेटिंग बढ़कर 4,040 रेटिंग प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, तथा अप्रैल का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 1.07% की उछाल के साथ 51 प्रति पौंड पर जा पहुंचा। स्थानीय बाजार में इस दौरान दाल चना और मूंग दाल 50 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती हो गई है, जबकि खाद्य तेलों में मूंगफली तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूरजमुखी तेल और पाम ऑयल में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि शेष तेलों के दाम पिछले दिवस पर स्थिर रहे। गुड़ चीनी की बात करें तो मीठे के बाजार में गुड़ और चीनी के भाव पिछले दिवस पर स्थिर रहे। दाल दलहन की बात करें तो दालों में दाल चना और मूंग दाल 50 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती हो गई। अनाजों में गेहूं, आटा तथा चावल के दाम पिछले दिवस पर स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोयाबीन पहली बार 6,000 रुपए से ऊपर, सभी खाद्य तेल के भाव में उछाल।
खाद्य तेलों में उबाल, दालों में नरमी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।